नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। शमशान वासनी साधना क्या होता है? शमशान वासनी साधना, शमशान वासनी से हम लोग समझते हैं माँ काली, भैरव। जैसे शिव और पार्वती ने जब बात किया तो बहुत तरीके का तंत्र उससे निकला, बहुत सारे तंत्र की जानकारी, जैसे पतंगरा तंत्र की जानकारी, उच्चिष्ट तंत्र की जानकारी, ठीक है। और माँ भगवती देवी महामाया को उनके शक्ति का बोध कराया महादेव जी ने वार्तालाप के दौरान। उसी तरीके से जब भैरव जी और भैरवी जी बैठ के बात कर रहे थे तो उसमें भी भैरव जी ने भैरवी जी को बहुत सारी साधनाओं के बारे में बताया, जिसमें उनका अपना साधना भी सम्मिलित था। तो उसमें सुंदरी साधना, जैसे भूषण सुंदरी साधना, भैरवी जी ने बोला कि आप मुझे कुछ ऐसी साधनाएं दो जो सरल हो। तो भैरव जी ने बोला कि ऐसी कोई साधना होती ही नहीं है जो सरल हो, सरल साधनाएं होती नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि जन कल्याण के लिए मैं आपको कुछ ऐसी साधनाएं बता रहा हूँ जो कि आम लोग भी कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें ही उन्होंने कुल सुंदरी साधना दी, मधु सुंदरी साधना दी, है ना, नटी साधना दी, और उसी में एक जैसे बला अबला साधना थी, उसी में एक साधना हुआ शमशान वासनी साधना। शमशान वासनी साधना जो है ये उग्र है, लेकिन आप हम हमारे जैसे साधक गृहस्थ भी अगर शमशान जा सकते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें शमशान वासनी का प्रत्यक्षीकरण होता है और साथ में बहुत सारी तांत्रिक शक्तियां आप में समाहित होती हैं अगर आप शमशान वासनी साधना करोगे तो। तो शमशान वासनी साधना करते कैसे हैं? शमशान वासनी साधना 21 दिन तक रात में आप श्मशान जाएंगे, मतलब श्मशान जाने का समय 11 बजे के बाद होना चाहिए, 11 बजे पहुंचिए। उसके बाद जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसका आप 8000 जाप कीजिएगा 21 रातों तक, ठीक है। और जिस दिन आपका 21 रात खत्म हो जाएगा उस दिन आपको 8000 बार आहुति देनी है। आहुति किस किस चीज की होगी? एक मिश्रण होगा दही का, घी का, शहद का और खैर का जो लकड़ी होता है उसका टुकड़ा होगा। तो आज 8000 खैर का लकड़ी के टुकड़े में आप दही, घी और शहद मिश्रित कर लेंगे और उसके बाद इस मंत्र से आप जो है माँ भगवती का, शमशान वासनी का आप हवन करेंगे। इस पूरे क्रिया का सबसे जो उत्तम आउट फॉलोआउट है वो ये है कि आपको इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके बाद अब जब भी शमशान वासनी से काम लें, किसी क्रिया को आप करें, तो उनको मछली, मांस, बलि और कारण जरूर दें, ठीक है। अभी मंत्र सुनिए, मंत्र क्या है शमशान वासनी का? मंत्र है ओम ह्रीम हुम हुम ओम ह्रीम फट फट सर्वभूतनी नाम भगवती वज्रधारस्य समय मनुपालय हन हन वद वद आक्रम आक्रम भो भो रात्रौ शमशान वासनी आगच्छ शीघ्रम हुम फट। इस मंत्र को 8000 जाप आपको रोज करना है। तो 8000 जाप करने में आपको मान के चलिए कि लगभग पूरा, अगर आप जितनी जल्दी बैठे 11 से बैठेंगे तो आपको 4 बज जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि सूर्य अस्त से पहले आप इस साधना को कर लो। मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम हुम हुम ओम ह्रीम फट फट सर्वभूतिनी नाम भगवती वज्रधरस्य समय मनुपालय हन हन वद वद आक्रम आक्रम भो भो रात्रौ शमशान वासनी आगच्छ शीघ्रम हुम फट स्वाहा। हुम फट में के बाद जो स्वाहा है वो सिर्फ आप तब लगाएंगे जब आप इसका हवन करेंगे, इसके अलावा ये आपको हवन करने की जरूरत नहीं है। भैरव तंत्र का ये पहला मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ। मैं आपको हर तरीके का भैरव तंत्र में, अब जैसे उद्यमेश्वर तंत्र का हमारा सीरीज चल रहा है वैसे ही भैरव तंत्र का आप सीरीज चलाऊंगा। इसमें अलग अलग सुंदरी का साधना, चेटिकी का साधना, भैरव जी के अश्वरूप का साधना और जितने भी तरीके का साधना भैरव तंत्र के अंदर आता है वो सब आपको सिखाऊंगा। भैरव का बीज मंत्र मैंने आप लोगों को दिया हुआ था,
एक साबर मंत्र आपको दूंगा जो कि सर्वजन और सर्व काम में उपयोगी होगा। देखो फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ, साधना करो, लेकिन साधना कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है कि मैंने स्विच दबा तो लाइट ऑन हो जाएगा। साधना तीनों स्तर पर करना, अपने मानसिक रूप में साधना, शारीरिक रूप में साधना और स्पिरिचुअल लेवल पे साधना। जब आप साधना करते हैं तो ये ज़रूर देखना कि उस साधना का असर आपके मन पर कितना हो रहा है, उस साधना का असर आपके शरीर पर कितना हो रहा है और उस साधना का असर आपके आध्यात्म में कितना हो रहा है। आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, ये हमेशा अनुमान लगाते रहना। जिस साधना में तीनों में से कुछ भी घटता दिखे उस साधना को बीच में छोड़ करके और बलि वली दे के उसको वहीं रोक देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बेसिक साधना, बंधन वंदन मंत्र, भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।